किसानों ने कल यानी वीरवार को किसान आंदोलन करने का ऐलान किया हुआ है, जिसके चलते आज ही से जिला पुलिस प्रशासन चौकस दिखाई दे रहा है। कल कोई अप्रिय घटना या फिर किसी आम जन को हानि ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। एसपी गंगाराम पुनिया ने आंदोलन को देखते हुए आंदोलनकारियों से आह्वान किया है कि वह अपना आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से करें, ताकि किसी को उनके आंदोलन की वजह से परेशानी ना हो। आपको बता दें कि अनेकों बार देखने में आया कि कोई आम जन मरीज लेकर जा रहा होता है या फिर उसे बहुत ज़रूरी काम से कहीं पहुंचना होता है, आंदोलनकारी इस बात को नहीं समझते, जबकि मानवता के नाते उन्हें समझना चाहिए कि यदि उनका आंदोलन सही है तो आम जन का जीवन भी अनमोल है। बताते चले कि जिला पुलिस की ओर से किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यह जानकारी एसपी गंगाराम पुनिया ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी। उन्होंने कहा कि आने जाने वालों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है और संवेदनशील एरिया में ज्यादा फोर्स लगाई गई है। पुनिया ने किसानों से आह्वान किया कि वे अपना आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से करें, कानून व्यवस्था बिगड़ने न दें। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को देखते हुए जिला पुलिस अलर्ट पर है और संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से जगह जगह पर नाके भी लगाए जाएंगे और आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी रूपरेखा तैयार की गई है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। विभिन्न किसान यूनियन की तरफ से कल के प्रस्तावित आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु एवं यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से रखने हेतु हमने व्यापक और पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। जिला पुलिस की ओर से 6 कंपनी तैनात की गई है, साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। हमने जितने भी यहाँ के किसान संगठन थे उनसे भी इस संबंध में पहले से बातचीत कर रखी है और रूट डाइवर्जन का जो प्लान है वो भी हमने तैयार कर लिया है, ताकि चंडीगढ़ से दिल्ली या दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार की ज़्यादा दिक्कत ना आए। सर, कौन कौन से एरिए संवेदनशीलें आती, संवेदनशील और रूट डिवाइड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए? देखिए, विशेष तौर पर हम जो बुटाना थाने का एरिया है वहाँ पर हमने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। इसके अलावा असंध और निसिंग के क्षेत्र में भी हम नज़र रखे हुए हैं। हमने जितना भी हमारे खुफिया तंत्र थे उसको भी एक्टिव कर रखा है, वहाँ से भी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके आधार पर भी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारी मुख्य अभी प्राथमिकता ये है कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रहे और यातायात व्यवस्था भी ठीक बनी रहे। सर, फोर्स किसानों को क्या कहना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, उसको लेकर क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपना जो आंदोलन है वो लोकतांत्रिक ढंग से करें, किसी भी प्रकार से आम जन को कोई असुविधा का सामना उनकी वजह से ना करना पड़े और जो अपने कानून के दायरे में रह करके अपना शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें। सर, आम लोगों को दिक्कत ना हो, जो हाईवे पर चलने वाले, सफर तय करने वाले, उनके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी हाईवे से अपनी यात्रा कर रहे हैं उनके लिए हमने व्यापक बंदोबस्त पहले से कर रखे हैं। यदि किसी स्थिति में हमें ट्रैफिक डाइवर्जन की जरूरत भी पड़ी तो वो हमने प्लान ऑलरेडी तैयार कर लिया है, वहाँ पर हमने व्यापक अपनी तरफ से पुलिस का बंदोबस्त भी किया है ताकि लोगों को ज़्यादा असुविधा ना हो। सर, कितनी फोर्स है? जैसा मैंने आपको बताया, हमारी तरफ से 6 कंपनी तैनात की गई है। इसके अलावा हमने जो विभिन्न रूट जहाँ से रोड डाइवर्जन करना पड़ सकता है उसके लिए भी हमने वहाँ पर 120 के आसपास कर्मचारी लगाए हैं। सर, रायपुर के पास किसानों की वो था कि हाईवे जाम करेंगे, सर उसके लिए करेगा? देखिए, वो भी हमारी चीज़ हमारी नॉलेज में है, इसके बारे में हम और जानकारी जुटा रहे हैं आसपास के जिलों से भी, जो संबंधित वहाँ पर जो किसान संगठन जो जिनके नेतृत्व में लोग आ सकते हैं उनसे भी हमने कुछ लोगों से बात करी है। हम ये चाहते हैं कि जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से निपट जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.